कट करवा दो। आप भी आओ तैबा। लालच नहीं है, बिना कोई लालच के आपके साथ जुड़े होते। छोटा सा जो बेबी है ना, इंजेक्शन लगवा के आ गए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खैर खैरियत से। हमने सोचा आज अपने मिनी से गार्डन से अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। डेली रोज प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं जिनको देख के इतना अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह ना मैं इधर ही आ जाती हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ। और नीचे ये जो हमने आर्टिफिशियल ग्रास लगाया हुआ है, यहाँ पर ना हल्की हल्की ऐसा बारिश होती रहती है और ये नीचे ऐसा ठंडा हुआ होता है। मतलब इसको यहाँ पर आकर पाँव रखो ना, ऐसा लगता ही नहीं कि आर्टिफिशियल, ऐसा लगता है जैसे असली में हो। क्यों हल्का हल्का पानी होता है ना, तो ठंडा ठंडा लग रहा होता है। यहाँ से अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। आज के दिन में काम भी बहुत सारे, इफ्तारियाँ करानी है और इस्लामाबाद वालों के लिए ईद के गिफ्ट अभी तक पड़े हुए हैं, वो पैक करके भेजने। अभी तक बच्चों की ईद की तैयारियां कंप्लीट नहीं है, वो सब करना है, बहुत सारे काम है। ये सारे काम ना मैं जल्दी निपटा लेती, मुझे आइडिया नहीं था कि ये डिलीवरी जो है ना पहले हो जाएगी। मुझे ये था कि ईद के बाद ही ये कौसर की डिलीवरी होगी। और जिस दिन हम इसको हॉस्पिटल लेकर गए थे ना, उस दिन मैंने ना अपने घर पे ग्रैंड इफ्तारी रखी हुई थी कि सबको जो है ना घर पे इफ्तार कराना है। बाहर तो मैंने रोजा खुलवाया था, जैसे ताहिरा सिस्टर है, फायजा सिस्टर और मेजर अंकल, इन सब की फैमिलीज को ना मैं घर पे बुलाकर ना रोजा इफ्तार कराने वाली थी। सारी तैयारियां थी और सुबह कौसर का जो ना हल्का हल्का पेन शुरू हो गया, तो बस वो चीजें वहीं रह गई। ईद के गिफ्ट ये सारा कुछ फिर वहीं रह गया। तो और अभी देखो इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी यहाँ पर हवा चल रही है, स्ट्रॉबेरी भी वैसे लगी हुई है। तो चलो चलते हैं, ये वाले फूल देखो मैं आपको बता रही थी, इतने प्यारे खिलते हैं ना, जैसा पूरा गुलदस्ता है ना चारों तरफ से यूं फैला होता है, सारे खिले होते हैं। अभी ये देखो बंद होना शुरू हो गया। चलो अभी यहाँ से उठते हैं और अपने बाकी सारे काम जो है ना खत्म करते हैं। और देखो आज हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है इफ्तार के बाद। इफ्तार में आज साथ में जलेबी थी जो कि मैंने नहीं खाई है, खाने का दिल कर रहा है। बाकी सब तो खत्म हो गए, कुछ समोसे पकौड़े बचे हुए हैं और थोड़े बहुत फ्रूट बचे। और मैं अभी जा रही हूँ ईद के कपड़े देने के लिए सबके। इसमें कुछ अनीता के हैं, कुछ कौसर के, कुछ कौसर की अम्मी के। ये वाला मैंने लिया था खाला के लिए सूट, खाला के लिए सूट कौसर की अम्मी के लिए। तो अभी जो है ना इसको सिलवाना है, ईद पे वो ये वाला सूट पहनेंगी। बाकी एक ये है, अनीता अपना रख दिया इसमें। कल मेरे हस्बैंड गए बेबी को इंजेक्शन लगवाने के लिए, आज उसका आखिरी इंजेक्शन है, बस कैनोला निकल जाएगा, जान छूटेगी, उसकी वजह से बहुत रोता है। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं कि हमारे घर पे कैमरा लगा है, ये देखो। पहले तो वो सामने एक ये वाला कैमरा लगा हुआ था ना, ये सामने, अभी यहाँ पर ये वाला लगा है, माइक वाला कैमरा, नया कैमरा लगा है, ये देखो ये आज ही लगा है। और इसका बताऊं कि ना इसको जो है ना आप मोबाइल से, इसको जैसे हमने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है तो इसको पूरा हम घुमा के पूरे घर को चेक कर सकते हैं। ये जैसे माइक वाला है कि इसमें जैसे अभी कहीं हम बाहर भी होते हैं तो बच्चों को आवाज़ देते हैं, या फिर किसी को भी गेट खोल दो अभी हम पहुंचने वाले हैं, या बच्चे कुछ कर रहे होते तो उनको रोकना होता है ये मत करो, या टीवी पर बैठे हैं, कारी साहब आ गए, कुरान पाक पढ़ना है, कुछ भी। तो हम कहीं पर भी होंगे ना, चाहे हम किसी भी सिटी में, वहाँ से बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से आवाज़ देंगे। तो ये माइक वाला है, पहले जब हमने लगवाया था ना तब भी हमें ये माइक वाला कैमरा बताया था कि जैसे बच्चों वाला घर है ना तो ये बहुत अच्छा होता है, ये लगवा ले, इतना आइडिया नहीं था। फिर हम कल गए ना इरफान भाई के घर पे, तो उनके घर पे ना यही लगा हुआ था, तो कहते हैं कि ना ये बहुत काम का होता है तो आप यही लगवाओ। और ये मेरे हस्बैंड के फोन से ही कनेक्ट है, वही आवाज देंगे तो ही आवाज आएगी। तो ये कहाँ से सफर करके आ रहा है नोबिता, घर में कैसे खामोशी है? मुस्तफा गया है फुटबॉल अकेडमी और आयस हो गई है, तैयबा अभी ऊपर बैठी हुई है। थोड़ा बहुत शोर करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, अभी थोड़ा ज्यादा शोर करना शुरू हो गया। कैसी है, ठीक है तबीयत? हमारे बेबी की तबीयत कैसी थी? ठीक थी आज। इसमें तुम्हारे सूट की नाप है इसमें, और टेलर को कुछ बताना है या फिर इसी पर ही सिलाना है? देख रहे हैं ये बच्चे ना स्कूल से बना के पता नहीं ट्यूशन से बना कर आए, ऐसे ग्रास लगाए, और ये गंदुम का है, नकली है, फेक ग्रास है। ये तो आयत का नेस्ट है, ये पता नहीं तैयबा ने अपना बनाया होगा, इसमें चिड़िया बनाकर लगाई हुई है, इतना अच्छा प्यारा सा बना हुआ है। ये इस तरह ट्री पर ऐसे हैंग कर दें, चेक कर लो ना ये सही है, तो फिर इसी पर ही सिलवा लेते। और डेली जो ना हमारा छोटा बेबी नया सूट बदल रहा है, इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इंजेक्शन लगवा कर आया ना, अभी सुकून से सो रहा है। अभी आज ना शुक्र है कि आज इसका कनोला भी निकाल दिया ना, आज सुकून की नींद सोएगा। भी शीट भी सब कुछ मैचिंग का पहन के आराम से सो रहा है। जो मेरा एक का सूट था ना फ्रॉक में सिलवाने के लिए मैंने दिया हुआ था, वहाँ से कपड़ा थोड़ा कम हो गया, वो कपड़ा भी लेकर वो टेलर को देना है, तो मैंने कहा जितना भी उसमें बना दो, लेकिन वो कह रहे नीचे ना पट्टियाँ कम पड़ रही हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, एक पट्टी का कपड़ा आप और ले दो। टेलर को वो कपड़ा लेकर देना है, काम इतने बढ़ते जा रहे हैं ना, समझ भी नहीं आता कि काम कैसे खत्म करें। अभी मौसम ठंडा हो गया, इफ्तार के बाद निकलो ना तो काम लगते हैं, लेकिन दिन में बहुत गर्मी होती है और उसके साथ फिर रोजा होता है तो बिल्कुल भी नहीं निकला जाता। कह रहे हो माशाल्लाह अंगूर लगना शुरू हो गए, इतना जल्दी अंगूर आना शुरू हो गए।
ये हम पहुंच गए यहाँ पर मार्केट में। तो ये शुक्र है कितना पार्किंग हमें फौरन से मिल गई है। चूड़ियाँ भी लेनी है, हाँ चूड़ियाँ भी खत्म थी। इस साइड पर भी ये सारी चूड़ियाँ लगी, ये इतने प्यारे प्यारे कलर लग रहे हैं चूड़ियों के ना, लगे भी हैं सारी 2500 का। अच्छा चूड़ियाँ भी लगाई हुई है तुमने, और देखो मैं इससे हमेशा दुपट्टे लेने आती हूँ, आज इसने देखो चूड़ियाँ भी लगाई हुई है। कौन से कलर रखे हैं? बस ये दो चूड़ियों के डब्बे रखे हुए हैं। आपसे सिर्फ दुपट्टे ही सारे लेने के लिए आएंगे, चूड़ियाँ के कलर ज्यादा बढ़ाओ। के पास ही हमेशा दुपट्टे लेने आती हूँ, उसके पास दुपट्टे बहुत अच्छे होते हैं। चलो अभी हर कोई तुम्हारे पास आएगा रावी सेंटर में, सही है। एक ये कपड़ा था जो मेरे फ्रॉक में कम पड़ रहा था, ये भी अभी ले लिया, अभी इसको लेकर डाई कराना है। और बाकी एक दो ईदियाँ रह गई थी उनके लिए, यहाँ से कपड़े देखे हैं। और ये देखो ये इनके पास नया कलर आया था अभी, यहाँ से मैं आई थी ये कैचर देखने, और इसमें ना ये मुझे बटरफ्लाई वाले इतने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो ये वाले, ये नया इनका डिज़ाइन आया है, इतना अच्छा लग रहा है। और ये वाला, ये देखो ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये गिफ्ट देने में भी बहुत प्यारा लगता है। ले लिया अपना सारा सामान, और ये देखो बाहर ईद का रश देखो, लगी है मेहंदी चूड़ियाँ हर एक चीज़, हर तरफ बस चूड़ियाँ और मेहंदी, चूड़ियाँ मेहंदी, हर कोई अपने कपड़े लेकर बाहर आते हैं और बाहर स्टॉल लगे होते हैं। यहाँ से बस इयर रिंग्स मैच की, फिर चूड़ियाँ मैच की, मेहंदी ली साथ में। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे टेलर के पास, और ये देखो ये कितना प्यारा सजाया हुआ है ना लाइटिंग से। तो चलो अभी हम आ गए हैं वापस, और सामान आप उठाओगे, आप खुद उठाओ, मैंने उठाया, तो आप उठाओ ना बाकी वाला। वापसी पर ना हमारी यही लड़ाई होती है, हर टाइम यही होती है, अभी इतना तो पड़ा था बाकी सब तो उठा लिए। ऐसी बात पर लड़ाई होती है कि गाड़ी में जैसे उठेंगे ना, आज फिर भी शुक्र इन्होंने कुछ ना कुछ उठाया तो है, वरना गाड़ी से निकलते हमेशा कहते सामान तुम उठाओगी। जब से हमारी ये ब्लैक गाड़ी आई है ना, इसके लिए पूरा गेट खोला जाता है फिर हम गुजर पाते हैं। ये हमारी जो बड़ी वाली की है ना, उससे लंबाई में ये ज्यादा लंबी है। दिखाओ तो सही, तैयबा इतना अच्छे से तैयार हुई है माशाल्लाह से। ये देखो आज तैयबा भी खुद तैयार हुई है और अपनी बहना को तैयार किया, मैं हैरान रह गई इनको देख के। अच्छा छोड़ दो छोड़ दो, लगाने दो, आपको पता को नहलाया आज इसने, नहलाई इतनी बड़ी हो गई है, इसका मतलब मैं कहीं जाऊँ तो पीछे तैयबा नहला सकती है। वो किसने रेडी किया ये तो बताओ, तैयबा ने? आपने बहना को थैंक यू बोला? पर जाना इन दोनों को मैंने कपड़े निकाल कर दिए, और तैयबा ने कहा नहीं आज मैं आयत को नहलाऊंगी, जब मैं ऊपर अपना व्लॉग एडिट कर रही थी। मुझे यकीन नहीं था उसको अच्छे से नहला धुला कपड़े वपड़े पोनिया उसका हेयर ब्रश करा के उसको ले आइए बाहर, लेकिन इसने लेट के सब खराब कर दिया। तो चलो अपनी ये जब तक दुआ की ईदी पैक करती है मैं नहा लूंगी, ठीक है। एक मैंने लिए दुआ का ये प्यारा सा फ्रॉक, ये पर्पल कलर की बहुत प्यारी लग रही थी, तो एक मैंने ये लिए। देखो साइज उसको पूरा है, इतनी है ना। आज मैंने ये सोचा सारा का और दुआ का एक जैसा लेती हूँ, लेकिन सारा का इसमें साइज नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने सारा का ना इसमें ले लिया। आपकी टीचर को व्हाइट कलर पसंद है? और इसमें जो है ना टीचर के जो हस्बैंड है उनका भी हमने ड्रेस रखा है साथ में, और अब रखो ऊपर टीचर का, ये हो गया। ये देखो ये हमने दुआ के लिए ये सारे ड्रेस लिए थे साथ में रखने के लिए, और बाकी ये छोटे बैग लिए, एक सारा का और एक दुआ का है, और दो दो चीज़ें मैंने लिए सारा दुआ की। सारा और दुआ ही हैं जो इन दोनों की दोस्तें बनी है यहाँ इस्लामाबाद में आके, तो ये दोनों उन्हीं को ईदी दे रही है। ये तीनों मैंने रात में लिए थे, और बाकी ये जो एक है ना जब मैं कराची में गई थी ना, तो ये वाला मैंने फिर वहाँ से लिया था, अभी तक उनको दिया ही नहीं, तो ये भी साथ में रख देते हैं। और आयत सारा को दोगी आप? ठीक, और एक ये भी रखो, और बाकी इसके अलावा एक ये भी रखो साथ में, एक भाई ये भी, एक ये साथ में रखो, ग्लासेस रखो, थारी ये वाला, तो सही भाई इन दोनों में से एक उठा लो। की फ्रेंड की यहाँ पर ईदी तैयार हो गई है, सारा इन्होंने भर दी अपनी अपनी पसंद की सारी चीजें रखी हैं। आप खुश हो? खुश हो? अब आए तो अपनी पसंद की चीजें उसमें रखें। कार्ड बनाने का वो मेरे हस्बैंड का, वो इनको ड्यूटी दिए, कार्ड लिख कर दें और फिर रखें इसमें। चलो अभी आयत अपनी बास्केट लेकर आ गई है, हाँ रखो। और ये दुआ के ग्लासेस है, ये रख दिए, रख दिए, ये रखिए, ये बहुत वजनी हो गया, पकड़ो 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 पकड़ो, चीजें गिर गई। कपड़े से जो है ना पैकिंग बहुत प्यारी लगती है, ये कल मिला नहीं, और इरफान भाई के घर हम जा रहे थे जल्दी में, एक कपड़ा बाहर से वो लेकर आया, ये वाला रमजान, इतना कम कपड़ा दिया ना कि ऊपर से ना ये देखो पूरा ही नहीं आ रहा। ईद मुबारक लिख रही, आप किसको ईद मुबारक लिख रही हो? किसको लिख रही हो ईद मुबारक?
और देखो ईद गिफ्ट इसने कैसे पैक किया, ये सारी चीजें रख के कार्ड लिखना शुरू हो गई हो। बहन है ना ईद मुबारक कार्ड लिख रही है 1 2 3 1 2 3 लिख के ईद मुबारक। मैं ईद गिफ्ट इसने पैक किया, इसकी पैकिंग तो देखो, ये सारी चीजें पैक हुई हुई और ये कार्ड बन गए 1 2 3 और ए और दिल भी बनाया मुस्तफा साथ में। और देखो मैं नहा धो के फ्रेश होकर यहाँ पर आ गई, यहाँ पे झूले पे बैठ के अपना व्लॉग शुरू करते हैं। ये देखो मेरा मुन्ना भी तैयार होकर आ गया और आज तो मुस्तफा ने इतना प्यारा कलर पहना, दिखाओ प्यारा है। बेल टूट गई, ये बेल लेनी पड़ेगी, थोड़ी कम होगी। डेली जो है ना नया फूल खिल रहा है, ये वाले फूल का ये देखो, और ये देखो रोज, अब तो गुलाब कितनी खुशबू होती है ना हमारे इस गार्डन में, ये ना मोतिया के भी फूल निकल रहे हैं, मोतिया के फूल की ना सबसे ज्यादा खुशबू होती है। ये रेड रोज है और ये देखो दो और भी निकल रहे हैं। आज ना व्हाट्सएप वाला कलर नहीं होता, वो बनाया हुआ मम्मी ने, और मैं ब्लू व्हेल गेम नहीं होती थी बहुत बड़ा हो गया, बड़ा हो गया माशाल्लाह, अगले साल आपसे बड़ा हो जाएगा। अब ये धूप आ रही है बहुत ज्यादा, ऐसी ही तस्वीर खींचोगे इस साइड से आगे। और आज है 27वां रोजा, आप सबको हमारी तरफ से 27वां रोजा मुबारक। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। और आज हम जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों की स्कूल की और ट्यूशन की टीचर है, उन्होंने आज हमें इफ्तार पे इन्वाइट किया है। और ये हमारा 20 रोजे के बाद ही उन्होंने इफ्तार के लिए इन्वाइट किया हुआ था, फिर क्या हुआ कि बीच में जो है ना बेबी आ गए तो उसकी वजह से लेट हो गए। साथ ना डन किया हुआ था कि आज चलो हम टाइम देंगे आपको, कि ईदी भी तैयार कर ली और ईदी भी देकर आएंगे। चलें चलें, एक घंटा तो वैसे भी जाते हुए लगेगा, दूर है यहाँ से, दूर है, एक घंटा भी लगेगा, जल्दी करें। हाँ? सिर्फ एक झूला ले लो, फिर मैंने झूला भी नहीं लिया। आज ना मेरी ड्रेस भी गार्डन से मैच हो गई है, फूलों के साथ कलर मैचिंग हो गया। चलते हैं, सफर जो है ना दूर का है और टाइम पे पहुंच। और ये हो गई हमारी टीचर की जो है ना ईदी, इसको देखो कैसी सजाई है मम्मा ने ईदी, बहुत अच्छी। अभी सिर्फ हमारे पास एक दिन बच गया, आज तो ये चलो उनको देते हैं। काली गाड़ी को थोड़ा सा साफ कर देना ना, चमक जाए, इसको भी कहीं बाहर निकाले, कब से खड़ी हुई है गाड़ी गर्म है, बस अभी एसी ऑन कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, आप देना वहीं पर चल के देना, दोनों उसकी फ्रेंड्स उसे देंगी ना, मतलब बैग अंदर ले जाओ। आयत कहती मैं सारा को देने चली जाऊंगी। हमारे ना कोई आड़ू भी तोड़ रहा है, ये देखो, नहीं ये गिर जाते हैं, 7 है टोटल, ये 2 ये 3 ये 4 5 और ये 5। ये ऐसे झूठ बोलता है, 6 नहीं 7 नहीं थे, 5 6 है बस, अच्छा जितने थे उतने हैं बस, 6 थे। इसको ऊपर बांधो ना, ये टूट, मुझे लगा गिर गई स्ट्रॉबेरी तो लगी थी, वो तो हमने तोड़ के खा भी ली है। बैठो बैठो जल्दी, ख्याल रखना कौसर का भी, उसके बेबी का भी, जो भी चीजें ठीक है खाने पीने का, वैसे इन्होंने ख्याल रखा हुआ। बैठो मुस्तफा जल्दी से, मम्मा आपकी ब्लैक गाड़ी, मेरी ब्लैक गाड़ी, मम्मा पीछे देखो, हाँ हाँ यहाँ पर बहुत सारी है, बहुत बहुत, इसका ईगल देखो, ये रहा ईगल। और टीचर का घर तो हमारे घर से पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने हमें इनवाइट करा है रोज अफ्तार कराने के लिए, वो यहाँ से थोड़ा दूर है और रश भी काफी ज्यादा, 10 मिनट तकरीबन और लगेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप सबको बताऊं कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे साथ बहुत ज्यादा मुखलिस हैं, और मैं अपना इतना ज्यादा मसरूफ बिजी टाइम होता है उसमें से जरूर मैं उनके लिए टाइम निकालती हूँ, जिनका कोई लालच नहीं है, बिना कोई लालच के आपके साथ जुड़े होते हैं, उनके लिए तो आपको जरूर टाइम निकालना चाहिए। इस तरह के जो टीचर होते हैं ना, आपको किस्मत से ही मिलते हैं अपने बच्चों के लिए, जो आपके बच्चों को समझे, आपको भी समझे। जैसे मैं अभी कहीं पे भी होती हूँ ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है मुस्तफा को, तैयबा आया तीन के साथ साथ हम कहीं बाहर भी जाए तो बहुत अच्छे से इनको संभाल लेती है, कहीं दूर भी होती है तो घर पे उनको बिठा के, मतलब मैं वापस आऊँ ना खाना वाना भी खा के अपना काम वाम करके बैठे होते हैं। अब ना जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझे इतना इंग्लिश और ये सब कुछ नहीं आता, और इनका जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम है, ओ लेवल की पढ़ाई है वहाँ पर, और इतना बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये अपनी टीचर की वजह से कि टीचर इनको बहुत हेल्प करती है पढ़ाई में, बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एक खुशकिस्मती समझती हूँ कि हम जैसे नए शहर में हैं तो आगे हमें टीचर बहुत अच्छे मिली हैं। सर जैसे कोई टीचर होता है ना, दिल से मेहनत करता है, दिल से पढ़ाता है, तो इस तरीके से मेहनत करती हैं, दिल से पढ़ाती हैं। इसलिए ना मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बाल, यहाँ से मेरे टीचर ने कलर लगा हुआ था, यहाँ से व्हाइट थी, यहाँ से पूरी ब्राउन थी, बस यही देखते रहते बाइक पे कौन कैसे जा रहा है ना, रश कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ये हम फंस गए, ये देखो एंड तक ये फुल है, अब रोजा तो गाड़ी में इफ्तार करना,
पानी पानी की बोतल मैंने साथ में रखी। एंड तक इतना ज्यादा रश है। हाँ देखा, ये पाकिस्तान का ट्रक है। फाइनली जो है ना हम अपने उस रश से निकल आए और ये मेरे हस्बैंड की हिम्मत है कि इस रश से निकल आए। तैयबा आपने ब्रश किया, मुझे ब्रश देना, मैं इसका ब्रश करूँ। एक रश से हम निकले और आगे तो देखो रश, ये देखो इतना ज्यादा। अब कहाँ है मेट्रो? ओ देखो मुझसे ऊपर से मेट्रो जा रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना, पहाड़ों के पास से जा रही है। और शुक्र है कि वो जो इतना ज्यादा रश था ना वहाँ से निकल आए। हमारा एक सपनों का शहर है, इसको सपनों का शहर बोल सकते हैं, इस्लामाबाद को, इतना खूबसूरत है। चल अभी ये दिन की रोशनी में आते ना, यहाँ पर इतना ज्यादा हरियाली है, बिल्कुल हरियाली के बीच में ऐसा साफ सुथरा बड़े से ऐसे खुले खुले रोड, फिर सामने मारगिला, कितने बड़े बड़े पहाड़। मारगिला बस पहाड़ों के ऊपर पेड़ भी सही सही से नजर। मारगिला के पहाड़ों पर ये दरख्त भी दिख रहा है, ये देखो बस, और जूम करें, ये छोटे छोटे से दरख्त। ये सामने कचनाल का ट्री है, ये देखो जो हम घर में बनाते हैं। आप तो बिल्कुल भी खुश नहीं होते, आपको तो पसंद ही नहीं है ये, ना सुहाना सा कुछ भी नहीं खाएगा। ये वो 1800 के जमाने के लोगों को जब भूख लग रही होगी ना, उन्होंने पेड़ पे चढ़ के निकाल के बना के खा लिया होगा, और अभी तक चल रहा है पुराने जमाने के घरों में। हम यहाँ पर खाने पीने की जगह पर पहुँच तो गए, पता नहीं अब कौन सी साइड है। और योजान जल्दी करो, चले चले चले। हाँ आयत भी पूरा रास्ता आपको याद कर रही थी कि दुआ के पास जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हम आ गए, इफ्तार का भी टाइम हो गया, आते ही फौरन से ना जल्दी जल्दी हमने रोजा इफ्तार किए, पानी लिए और अभी खाना वाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है काफी ज्यादा दूर लेकिन जगह प्यारी है, बहुत अच्छी है। लस्सी भी पी, बहुत मीठी और ठंडी ठंडी लस्सी। और अभी देखो यहाँ पर केक कट होने वाला। कंग्रेचुलेशन 1 मिलियन सब्सक्राइबर बाय दुआ। और ये केक कट करने के लिए इतनी बड़ी छुरी मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो हैप्पी बर्थडे, बहुत जल्दी 2 मिलियन हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जमी मजे का है। मुस्तफा आप रह गए, मुस्तफा आ जाओ। 1 मिलियन के केक अभी भी देखो कट रहे हैं, 2 मिलियन तक लगते होने तक ना कटते रहेंगे। बैठ के खाना खाए, बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी जगह थी। अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। चलो आयत मुस्तफा वहाँ से एक गिफ्ट निकालो, एक गिफ्ट निकालो ना वो देने। चलो तैयबा अभी देने लगी है दुआ को ईद गिफ्ट, ईद गिफ्ट दो। दुआ के पापा को दे दो। हाँ चले, बच्चों से तो सबर नहीं हो रहा था, बच्चे गए टीचर के साथ और हम बैठ रहे यहाँ पर अपनी गाड़ी इस साइड पर, ये इस जगह पर हम बैठे थे तो काफी अच्छा था। और बच्चे ना रुक ही नहीं रहे, उनको दुआ के साथ ही जाना था। और तैयबा यार दोनों चली गई हैं दुआ के साथ, वहाँ से घर पास है, बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव पर है तो वहाँ से ही आ जाएगी। फिर मुस्तफा ही नहीं गया, वो क्यों? मैं मम्मा पापा के साथ रहना चाहता हूँ। और देखो ईद की रौनक तो देखो यहाँ पर माशाल्लाह से, ये देखो ये तो पूरी गली सजाई हुई है अंदर, ये देखो यहाँ से माशाल्लाह से। मुस्तफा देखो मैंने ऊपर सनरूफ खोला, सनरूफ खोला है जो मुस्तफा से। वाओ गाइस, इस्लामाबाद में हमारी पहली ईद है और देखो इधर कितनी ज्यादा रौनक है, ईद की लाइटिंग देखो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो, ठीक हो? आज अस्सलाम कर लो। क्या नाम है आपका? हनफा। हनफा और आपका? सुनेरा। और आपका? मोहम्मद अयान। आपका? तूबा। तूबा बहुत बहुत शुक्रिया, सारे बच्चे इतना प्यार से देख। ठीक है, ईद की शॉपिंग हो गई? हो गई, सारी कंप्लीट हो गई है, कर रहे हो? अभी स्ट्रगल जारी है। चलो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। और ये भी छोटा सा सब्सक्राइबर है, हेलो हाय, क्या नाम है इसका, नाम क्या है? हरम। हरम जो ये भी छोटी सी हमारी सब्सक्राइबर है, चलो माशाल्लाह, चलो ठीक है, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लगते सब सो भी गए, लाइट सब ऑफ नहीं हुई है। आपके लिए जूते लाइए, पसंद है? सही बात है, सो रही है। पसंद है, चेक करो ये साइज अपना, चेक करो पूरा। तो भी कुछ भी हम घर में लेकर आए ना, सबसे पहले यही आकर बैठता है। अच्छा है, शुक्र है। मुझे ना हमेशा यही डर होता है कि मैं लेके जाऊँ और इनको पसंद ना आए,
पसंद आ गया? नोबी क्या हुआ आपके लिए? अगली बारी मम्मा नोबी के लिए जूते लेके आएंगे। नोबी तो कोई गिफ्ट मांगता ही नहीं है। अनीता के लिए, अब अनीता चेक करे उसको पूरा है या नहीं। चेक करो इसको, छोटी तो नहीं ले आई मैं, पूरी है। खड़े होके पहन के तैयबा आपकी चप्पल भी आई है। कब से तैयबा बोल रही थी तैयबा चप्पल छोटी तो नहीं हो गई, पूरा साइज है ना? तैयबा दिखाओ, अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? छोटी है, छोटी है, हाँ लग भी रही है छोटी है, इतनी छोटी भी नहीं है। छोटी है अभी, शुक्र है कि तैयबा ने कल बोला ना, अभी दो चार दिन हो गए तो तैयबा बोलना शुरू है कि मेरी चप्पल नहीं है, मुझे चप्पल ला दो, वरना तो इसके जूते टूट जाए, पुराने हो जाए, जैसे हो जाए ये बोलती नहीं है। और मुस्तफा थोड़े से जूते खराब होने शुरू हुए, मुझे नया जूता चाहिए, मुझे नया जूता चाहिए। मेरे ईद का जूता वाइट वाइट शाइनी अच्छा लग रहा है। अलावा अभी ये रहेगी उसकी रमजान की। अब ये देखो उसको पसंद आती है, ये भी मैं अपने उस पे साइज लेकर आई हूँ। अच्छा दिया रहा मुस्तफा, रमजान को भी पूरी होगी। वैसे ये देख लो शायद थोड़ी बड़ी लग रही है, बड़ी। और बाकी इसके अलावा ये वाले जूते मैंने लिए हैं कौसर के लिए। अब ये साइज तो मैं अपनी मर्जी से ले रही, पता नहीं पहन के चेक करेगी कि उसको आता है या नहीं। और गोल्डन जूते ना हर सूट के साथ मैच भी हो जाते हैं, तो ये मुझे डिजाइन अच्छा लग रहा था। और मुस्तफा देखो लेकर आए अपने नए कपड़े शॉर्ट, और गर्मियों के लिए कुछ शर्ट्स लाए, बार बार वही निकाल के चेक कर रहे। मुझे ना एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो दिखानी चाहिए। नहीं क्वालिटी क्वालिटी भी छोड़े, इसकी तो क्वालिटी कलर दोनों अच्छी। वो कहते हैं, मम्मा कहती हैं गर्मियों के लिए इसके कपड़े लेने हैं तो कुछ अंडरवेयर भी दिखा दें। अंकल पकड़ते हैं ऐसे कहते हैं, और यूं इसकी ये बहुत अच्छा, अगर ये पूरे साल की वारंटी देता, अगर पूरे साल में हल्का सा फट गया ना वापस ले जाएगा ये बाजी, आपके आपके पैसे है ना मेरे पास अमानत पड़े हैं। मुस्तफा ने अपने ट्राउजर लिया, इस वजह से मैं इसको साथ ले गई थी आज की, अपनी पसंद से अपनी मर्जी से ले। बनाकर आई हमारे लिए चाय, और ये देखो नोबिता के काम, यहाँ पे चेक करने आया था कि शायद यहाँ पे ना कुछ हो इसका। कुछ मिला आपका? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला होगा, कुछ भी नहीं मिला होगा आपका। हर एक चीज चेक करता है कि शायद मेरा भी कुछ होगा। और इतना यहाँ पर फ्रेश फील होता है ना अपनी बालकनी में आकर, ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फ्रेश फ्रेश हवा चल रही है, इतना ठंडक होती है कि दिल करता है इधर ही बिस्तर लगा कर सो जाओ, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। एक मॉर्निंग के टाइम पर, सुबह सुबह के टाइम पर भी बहुत प्यारा मौसम होता है। दोपहर में अब थोड़ा गर्मी होती है तो मैं इतना नहीं आती दोपहर में, लेकिन सुबह के टाइम और रात के टाइम पे तो मैं पक्का पक्का यहाँ आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बाकी इस व्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। दो दिन से ये व्लॉग चल रहा है, कुछ क्लिप कल के हैं, कुछ क्लिप आज के हैं, तो कल इंशाल्लाह प्रॉपर एक व्लॉग शुरू करेंगे। जब मैं वापस आई हूँ तो बेबी भी सो रहा था, कौसर भी सो रही थी, अभी तक हमने बेबी की ना मिठाई नहीं बांटी। रोजे हैं और रोजे में इस वजह से बस इफ्तार के टाइम पर मैं निकलती हूँ, पूरा पूरा एक ईद ही सबको दे रही हूँ कि चलो ईद ही तो सबको पहुँच जाए, सबके घर जाकर वो कल देनी है। कल के दिन मैं इंशाल्लाह ख़त्म करूँगी सबकी ईदियाँ देकर, कल एक इफ्तार पे भी जाना है और साथ में ईदियाँ भी देकर ख़त्म करूँगी। तो बस इसी के साथ कल मिलूंगी एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।